अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबूर एहसन है। मैं नीलोज ब्यूटी सलोन में जॉब करती हूँ एज एन हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। और मैंने आजकल वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हेयर के बारे में, बिकॉज़ पाकिस्तान में और ऐसा कोई हेयर का है नहीं जो ठीक से डिटेल बता सके। तो मैंने सोचा कि ना मैं जितनी मुझे नॉलेज है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको साथ शेयर कर सकूँ। लास्ट वीडियो मैंने डैंड्रफ की बनाई है, उसमें मैंने जिक्र किया था कि एक न्यू प्रोडक्ट आई है मेटल डिटॉक्स के नाम से। उसका सारा प्रोसीजर और वो है किस चीज़ के लिए, ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। पहले ये एक छोटी सी वीडियो देख लें मेटल डिटॉक्स के बारे में, ठीक है जी। पहले वो इंग्लिश में है, मैं उसको बाद में ट्रांसलेट करूँगी कि वो उसका क्या क्या मतलब है। जिनको इंग्लिश समझ आती है तो उनको वो आ जाएगी समझ, ठीक है जी। मेटल डिटॉक्स के बारे में, मेटल क्या प्रोडक्ट है, उसके बिफ़ोर क्या यूज़ है, आफ्टर क्या यूज़ है और आफ्टर केयर क्या है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। पहले ये छोटी सी वीडियोज़ देख लें, फिर मैं आपको उसकी डिटेल बताती हूँ। थैंक यू। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। L'Oréal Professionnel presents a disruptive innovation that truly changes coloration, balayage and lightening. Metal detox. Do you know there is metal in hair and that it creates both a risk of breakage and negatively impacts color results? We discovered the problem is not the metal deposited on the fiber surface, but the metal particles inside the fiber. The level of metal in hair varies depending on hair porosity and on the water quality where we live. For example, 26% of people in New York have excessive metal levels in hair, 58% in Paris, and 48% in Mumbai. This is not a problem for people's health. However, it is a real risk during color, balayage, and lightening services. We have filed 9 patents on this disruptive innovation. We have discovered glycoamine, the molecule small enough to penetrate and neutralize metal inside the fiber. Glycoamine is at the heart of Metal Detox, a new professional protocol capable of neutralizing metal and detoxifying hair. 3 steps take place in salons. Step 1, a pre-treatment to neutralize metal before any color, balayage or lightening service. Step 2, an anti-metal cleansing cream to detoxify hair after the service. Step 3, protective treatments to prevent new particles from coming back. The results of this protocol are impressive. 87% less breakage risk, 100% reliable color results. And because the formula penetrates inside the fiber, the color result is pure and hair is intensely shiny. Already, thousands of hairdressers and clients have tested it across the globe. Metal Detox is the pro guarantee for all color, balayage, and lightening. One last thing. Metal Detox is compatible with all color and lightening brands. Metal Detox, only by L'Oréal Professionnel. Does your salon have it? हाँ जी, आपने मेटल डिटॉक्स के बारे में डिटेल देख ली होगी, तो मैं इसकी डिटेल आपको बताती हूँ कि जी पहला स्टेप मेटल डिटॉक्स बिकॉज है क्या चीज़। मेटल बेसिकली धातु को मेटल कहते हैं, और जैसे सबके बारे में प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब हम कलर कराते हैं तो वो बाद में कॉपर वॉश के बाद कॉपर टेंच देता है, या फिर कभी कभार हम जब कलर कर रहे होते हैं एज एन हेयर आर्टिस्ट या हेयर टेक्नीशियन के तौर पे, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है। जब हम लाइटनर लगाते हैं, बलियाज कर रहे होते हैं या थोड़ा सा लाइट पे कलर लेके जाते हैं, तो कॉपर सबसे ज़्यादा आता है। इसका भी सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है, पानी, और जो हमारे घर में पानी आता है और जो पाइपलाइंस लगी हुई होती हैं तो उसमें जंग लगा हुआ होता है। जी जंग लगा हुआ होता है, तो वो एक नए रिसर्च से यह साबित हुआ है। तो वो एक मेटल जो है जो हमारे बालों में चिपक जाता है, जो कि बाद में वो हटता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होती है उसको हटाने की। वो बाद में बार 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 आ रहा होता है जब जब वॉश करते हैं, क्योंकि हर वक्त उसी पानी से वॉश करते हैं, तो वो दोबारा से जल्दी आ जाता है, कलर जल्दी वॉश आउट हो जाता है और वो मेटल दोबारा से आ जाता है आपके बालों में, तो कॉपर नज़र आना शुरू हो, जो हाइलाइट्स करवाते हैं जो कॉपर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए एक नई चीज़ आई है मेटल डिटॉक्स के नाम से। उसके अंदर आपने वीडियो में डिटेल देख ली होगी कि क्या था कि बालों के ऊपर आ जाती है सतह पर मेटल जो है तो चिपक जाते हैं, और इस ये उस पर किस तरह से काम करता है ये मैं आपको डिटेल बताऊँगी। उसमें आपने देख ली होगी वीडियो में क्या थी क्या नहीं थी। और फिर तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है मेटल डिटॉक्स के नाम पे एक स्प्रे है। मुझे मैं दिखाना चाहूँगी, ये मेटल डिटॉक्स के नाम से स्प्रे है। तो ये बालों पे किस तरह से स्प्रे होता है ये आपने उसमें वीडियो में देख लिया होगा। ये सबसे पहले ये स्प्रे होता है किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले, किसी भी ब्लीचिंग एसिड्स को यूज़ करने से पहले, किसी भी कलर को। ये खासकर तब यूज़ होगा जब आपका फुल कलर होगा,
ग्लॉसिंग होगी या फिर किसी भी तरह का ग्लॉसिंग होगी या किसी भी तरह का कलर का काम होगा आपकी पूरी लेंथ पे, तो ये यूज़ होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रूट्स पे नहीं आती, जब आप रूट्स करा रहे होते हैं रूट्स पे नहीं आती, पूरे बालों में आती है, तो तब ये सिंगल यूज़ नहीं होगा, हमेशा कलर के साथ यूज़ होगा। तो ये सबसे पहले स्प्रे करेंगे इसको, फिर उसके बाद इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है ग्लीकोएमीन के नाम से, इसके अंदर आपने देखा होगा उस वीडियो में उसमें ग्लीकोएमीन के नाम से है, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रही हूँ लेकिन आप उसमें देख लीजिएगा, ग्लीकोएमीन के नाम से ब्लू कलर का एक इंग्रेडिएंट होता है। ये मेटल के बिल्कुल ना पार्टिकल जो होते हैं मेटल को उनको ख़त्म कर देता है, ये एक रेज़र का काम करता है। तो ये जो है स्प्रे करेंगे, जितना मेटल होगा बालों से वो रिमूव हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अपना जो मिक्सचर होगा, चाहे वो कलर हो, चाहे वो ब्लीच हो, चाहे वो हम बलियाज करें, चाहे वो हम फुल कलर करें, चाहे वो ओमरे करें, सोमरे करें, हाईलाइट्स करें, लो लाइट्स करें, सब कुछ जो भी करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसके 3 स्टेप में सबसे पहले ये होगा, फिर उसके बाद जिस शैम्पू से वॉश करेंगे वो शैम्पू ये है, ये नज़र आ रहा होगा आपको कि ये शैम्पू है मेटल डिटॉक्स के नाम, ठीक है, ये शैम्पू है। फिर उसके बाद हमने जिनके फाइन बाल होंगे तो उनको हम यूज़ करेंगे जिन कंडीशनर के तौर पे, ये यूज़ करेंगे। अगर जिनके थोड़ा सा मोटा बाल होगा तो ये यूज़ करेंगे हम, ठीक है, मास्क, ओके। फिर इसके बाद आफ्टर केयर, ज़ाहिर है आप घर जाओगे, ये आपको होम केयर लाजमी रखना पड़ेगा, जो चाहते हैं आपके बालों में कॉपर ना आए, येलो ना आए, ये चीज़ें ना आए, तो उसके बाद आप एक सल्फेट फ्री, सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर लॉरियल के अंदर सल्फेट फ्री कोई भी प्रोडक्ट नहीं थी, पहली दफ़ा ऐसा है कि इसके साथ उन्होंने लॉन्च किए हैं मेटल डिटॉक्स सल्फेट फ्री शैम्पू, ठीक है जी। और ये मास्क, ये आफ्टर केयर है, इतना महंगा भी नहीं आता, तो ये दोनों चीज़ें, ये आफ्टर केयर है, ये बहुत चलता है, अब जब जब वॉश करो इसी से वॉश करो, ये बहुत ही अच्छा है, ये आपके दोबारा मेटल को चिपकने नहीं देंगे आपके बालों से, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर से आप कभी भी मेटल को निकाल नहीं सकते, तो उसको ये चिपकने नहीं देंगे आपके बालों के साथ, तो ये लॉन्ग लास्ट लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक है जी। इसके बारे में बात की थी हमने, और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे आपसे। किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, डिटेलिंग जाननी हो, तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है सुबूर _SN के नाम से, तो प्लीज़ उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात करना चाहें बात कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो किसी भी टाइप का, किसी ने कोई काम करवाना हो, मैं नीलोस क्लफ्टन ब्रांच में होती हूँ कराची में, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। और ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई लॉरियल वाले मुझे पैसे पूसे नहीं दे रहे हैं, पहले बता रही हूँ मैं हर चीज़ वो चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि फ़ायदा करेगी, ठीक है जी, ऐसे ही नहीं करा रही। और ये बड़ा सस्ता है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप किसी सलून से भी जाकर ट्रीटमेंट कराते हो बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है आजकल के हिसाब से, जो आजकल चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, और ये बहुत अच्छा है। इवन आप खुद कराओगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, जब तक खुद से नहीं कराओगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कैरेस्टास की प्रोडक्ट को रिव्यू करूँगी कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये बहुत अच्छा है, ये मेटल डिटॉक्स जो है ये सिर्फ मेटल का काम करता है, ये सॉफ्टनेस और शाइन भी देता है, बट ये करेक्टिव नहीं है, ठीक है, इसकी एक ये बात है, ये करेक्ट नहीं करता। अगर कोई डैमेज है आपके बालों में कुछ भी है, वो चीज़ करेक्ट नहीं करेगा कि जी बहुत डैमेज हो तो करेक्ट कर दे, ये सिर्फ मेटल का काम करेगा, ये मेटल डिटॉक्स है, ये सॉफ्टनेस लेकर आएगा, ये सब कुछ ऐसा कर देगा, शाइन भी आएगी, बट ये करेक्टिव नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्री ट्रीटमेंट है। आपने कोई भी चीज़ आने से पहले जिसको रोकती है ये वो चीज़ है, ये आफ्टर केयर में इसका सिर्फ शैम्पू और मास्क है, इसी को मेंटेन रखने के लिए है ये, ठीक है जी। ये बिफ़ोर ट्रीटमेंट जो की जाती है वो, जो आफ्टर ट्रीटमेंट्स होती हैं वो मैं कैरेस्टास के बारे में डिस्कस करूँगी, तो उसमें बताऊँगी कि वो सारा के सारी प्रोडक्ट जो है वो करेक्टिव है, हर चीज़ को करेक्ट करती है, चाहे वो डैमेज हो, चाहे वो ड्राइनेस हो, चाहे वो फ्रिजी हो, चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह ताला उसको मैं हर प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी, और हर प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह ताला इनकी लॉरियल की भी 2-3 ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि प्रोलॉन्गर है, प्रोफाइबर है, और एक दो और ट्रीटमेंट है, इंशाल्लाह ताला उनका भी रिव्यूज़ करूँगी। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
थैंक यू, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़.